हो गया नहीं हटने से, तेरे पति को भी जानता हूँ उस बनिया को, समझी? अगर लगा ना पेड़ तो इलाज करो ना कहीं पर, बुला के स्टाफ को, तो क्या दो कोड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? हिमाचल हिमाचल इसे लेके आया इसे, वरना राजवीर से ध्यान रखना, तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल नोएडा की ग्रैंड ओमैक सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। त्यागी का ओमैक सोसाइटी में अवैध निर्माण है। सोमवार सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवाई हुई थी, टीम ने उस सीढ़ी को भी तोड़ दिया है। रविवार रात ही त्यागी के 25 गुर्गे सोसाइटी में घुस आए थे। उन्होंने यहां लोगों पर पत्थरबाजी की और मारपीट की कोशिश की। इससे पहले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला और उसके पति को अभद्र गालियां दी थी। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? हिमाचल हिमाचल इसे लेके आया इसे, वरना राजवीर से ध्यान रखना, तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की कुल मिला के 12 टीमें लगाई गई हैं। नोएडा के भंगेल में श्रीकांत त्यागी की 7 दुकानों पर जीएसटी के अफसरों ने छापेमारी की है। जांच के बाद टीम दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई है। त्यागी पर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। श्रीकांत त्यागी की नोएडा के भंगेल में 6 दुकानें हैं, उसे भी ढहाया जाएगा। श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, मगर कोर्ट के बाहर पुलिस का भारी बल तैनात है। भीतर आने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि सीएम दफ्तर से श्रीकांत त्यागी की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सुरक्षा देने वालों और पैरवी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी को सरकार के एक वर्तमान मंत्री और एक पूर्व मंत्री का संरक्षण मिला हुआ था। उसे गाजियाबाद से सिक्योरिटी मिली हुई थी। तब गाजियाबाद की डीएम ऋतु महेश्वरी हुआ करती थी, जो कि अब नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा में ज्वाइनिंग किसके कहने पर हुई थी, इसकी जानकारी भी मांगी है। फरार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। इसके अलावा आरोपी नेता की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। बता दें कि जब ग्रैंड ओमैक्स में हंगामा हुआ तो सोसाइटी में हंगामे की सूचना के बाद भाजपा सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद लोगों ने उनका घेराव कर लिया। शर्मा ने भीड़ के सामने ही किसी को फोन लगाया और तल्ख लहजे में कहा, मेरे कहने पर पुलिस आई है, मेरे जिला अध्यक्ष और मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारी सरकार है, 15 लड़के सोसाइटी में कैसे आए। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। प्रेसिडेंट को मार रहे हैं, आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लखुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाई है सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी समस्ती की देखेगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में खुद को बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता बताया है। भाजपा का लेटर पैड भी सामने आया है, इसमें युवा किसान समिति की राष्ट्र सूची में त्यागी का नाम दूसरे नंबर पर है। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी नेता है और पार्टी का रौब दिखाकर सोसाइटी वालों पर किस तरीके से अत्याचार कर रहा था, वो तस्वीरें तो आपने देखी ही हैं। ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ, एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था, छोटे प्लांट बड़े प्लांट्स लगा रहा था, बड़े प्लांट्स को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगा रहा है। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था, मैंने हटाया। तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है, उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला, बीजेपी का नाम लेके और मुझे धक्का दे रहा, कह रहा तूने अगर
फिलहाल श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है और श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है। देखना होगा कि श्रीकांत त्यागी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।